पार्थे हूँ सीधा सड़क दृश्य जिते बेले पोस्टाल बैलेट बॉक्स जितेबले हाइजैक करा गोटे प्रकार जदि आम कहीपर कहीं जितेबले आप देखिपुर ये सीधा सड़क दृश्य जो जगह ये ढबार अंचल रही जितेबले पोस्टाल बैलेट भोटिंग चली बिना एजेंट रे एठारे पोस्टाल बैलेट रे भोटिंग करागला एवं जो अधिकारी माने थिले तांको सहित पुलिस प्रशासन मध्य उपस्थित थिला जहाँ जो कांग्रेस कथा कहतु बा बीजेपी कथा कहतु से माने अभियोग आनी जे एठारे इलीगल काम कराई या जो भोट गुड़िक कराई नाकच कराऊ आम सहित सीधा सड़क जोड़ी होती जो बीजेपी सांसद रही महासमुंद्रु आम सहित सीधा सड़क आलोचना करने को चेष्टा करवा सर आपको अर्गस न्यूज में स्वागत करता हूँ क्या बोलेंगे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अभी जो पोस्टल वोटिंग का कार्यक्रम शुरू हो गया आज से तो आप क्या कैसे देख रहे हैं अभी जब इलेक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है उससे पहले अगर लूटपाट चालू हो गया है तो यहाँ पर जो स्वच्छ और निर्मल इलेक्शन होगा इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बीजेडी जो सरकार है पूरा मिशनरी का उपयोग कर रहा है, पूरा पैसा बांट रहा है, लोगों को शराब बांट रहा है। अब ये सीधा ना जीत करके उनका पैसा शराब कुछ काम आने वाला नहीं है। यहाँ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी प्रदीप पुरोहित जिस प्रकार से लोगों के मन में है, लोगों के दिल में है, जिस प्रकार से लोगों के भावना है कि प्रदीप पुरोहित को यहाँ के विजयी बना के भेजेंगे, अब बीजेडी घबरा गया है, यहाँ का शासन घबरा गया है और घबरा करके ये यहाँ लोकतंत्र के साथ कुठाराघात कर रहा है, यहाँ हमारा संविधान के साथ कुठाराघात कर रहा है, यहाँ के जनता के साथ कुठाराघात कर रहा है, यहाँ के क्षेत्र के साथ कुठाराघात कर रहा है। इस प्रकार से एक मिशनरी का उपयोग करके ये एक प्रकार से एक चोरी ही कहें तो फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्या बोलेंगे जैसे आज यहाँ पे ये बैलेट जो पेपर को कलेक्शन किया गया जो हमारे पास सूचना है कि करीबन 12 वोट यहाँ पर है जो ये लोग कलेक्शन करके लेके जा रहे थे तो निर्वाचन आयोग के पास आप लोग फरियाद होंगे इसके बारे में कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे क्या बोलेंगे इसके बारे में? निश्चित रूप से इलेक्शन जो कमीशन है इलेक्शन कमीशन के पास जा करके हमारे पार्टी के तरफ से कंप्लेन होगा और ये इस प्रकार से कार्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। इसमें आप देखते भी होंगे कि जो पुलिस अधिकारी भी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, जो इलेक्शन ड्यूटी में ऑफिसर है वो भी बैठे हुए थे। यहाँ से जो वीडियो आए हमने उनसे पूछा भी कि ये सर क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसे हो रहा है, तो उनको बोलते हैं मेरे को कुछ मालूम नहीं है। इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये पूरा बिके हुए लोग हैं, ये शासन और प्रशासन के डर में ये बिके हुए लोग हैं, ये बिक चुके हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता और उससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ की जनता, पदमपुर की जनता सजग जनता है, यहाँ के जनता प्रबुद्ध जनता है, भारी बहुमत से प्रदीप पुरोहित को जिता के भेजेंगे, इनका कोई भी हथकंडा काम नहीं आने वाला है। आप इसकी इनको जो सस्पेंड की मांग करेंगे क्या? निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड होना चाहिए। सुनुले जो प्रतिक्रिया रखुले जे चुनीलाल साहू जे कि महासमुंद्र बीजेपी सांसद रही से अभियोग करते जे जो भली भाव में शासक दल जिते बेले मद मांसरे लोके प्रभावित हेले नाही तापरे आज शेषे से लुटपाट रे पहुंची जाइछंती एवं तल स्तर को उतरिक एभली भाव में भोट ग्रहण करने को चेष्टा कर पद्मपुर झारबंड ढवारू कैमेरा पर्सन तरुण मनीष शर्मा अर्गस न्यूज।